जांजगीर जिले के ग्राम पंचायत सिर्री में सरपंच की मनमानी से ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। सरपंच द्वारा गांव की सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, आसपास की 2 एकड़ जमीन पर धान की खेती कर दी गई है। प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी इस दिशा में किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है। जांजगीर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेजा कब्जाधारियों के हौसले इन दिनों काफी बुलंद हो चले हैं। हालात कितने गंभीर हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंचायत प्रतिनिधि भी इस गोरख धंधे में शामिल हो गए हैं। ऐसा ही कुछ ग्राम पंचायत सिर्री में देखने को मिला है, जहां सरपंच द्वारा गांव के सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया। इतना ही नहीं, उसके द्वारा गांव की बेशकीमती 2 एकड़ जमीन पर कब्जा कर धान की खेती भी करवा दी गई है। सरपंच की मनमानी से गांव के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी इस दिशा में किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा सरपंच द्वारा ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिससे ग्रामीण काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। हम लोग शिकायत किए थे कि बेजा कब्जा किए हम लोग, और उसी में घर बनाए हैं, करीबन 2 एकड़ है। हाँ, तो उसमें घर बनाए हैं और खेती भी कर रहे हैं, और शासन से हम लोग शिकायत भी किए थे इनका, तो उनका कोई जवाब नहीं मिला हम लोग को। और इन लोग बोल रहे हैं कि शिकायत क्यों, तुम लोग ऐसा करके हम लोग को धमकी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। सरपंच ने किया है, कितना होगा वो? करीब करीब 2 एकड़ के आसपास है, घर बना रहा है, धान भी बोए हैं, और कहते हैं तो मारने की धमकी देते हैं कि तुम लोग शिकायत किए हो और ऐसे किए हो, और दोबारा शिकायत करोगे तो जान से मार देंगे, ऐसे की एक धमकी देते हैं। आप शासन से क्या चाह रहे हो? हम शासन से चाह रहे हैं कि भाई जो निराकरण है वो सही से निराकरण कर दे, बेजा कब्जा हटा दे। जैसे भी वर्तमान सरपंच कहना चाहिए, ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती कल्पना देवी द्वारा 116 नंबर जमीन में बेजा कब्जा करके अपना घर निर्माण कर रहे हैं, प्लस उसमें धान भी बुवाई कर रहे हैं, और SDM तहसीलदार के साहब के पास हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, उसको देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। हमारे कहना है जो शासन का जमीन हो शासन के पास चले जाए, ये हमारा उम्मीद है। तो जब से सरपंच बना हूँ, नहीं बना हूँ तब से लोग इस मुद्दा को उछाल रहे हैं, और तहसीलदार के यहाँ चल रहा है, कैसे SDM के यहाँ चल रहा है, किसी दूसरे के नाम से करता है, और मैडम के भी नाम से करता है, और ये प्रक्रिया तो न्यायालय में चल रहा है। जो भी है, इसका 3 पंचनामा हो चुका है, और पटवारी गया था, IR गया था, बीच में अभी तहसीलदार गया था, गांव वालों को पूछा गया तो अपने बयान में दिया हो कि इसमें सरपंच का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। वो मेरे बाबूजी बनवा रहे थे अपने भाषा के लिए, उन्हीं लोगों का इसमें श्रेय था, और बिना मतलब का आरोप लगा रहे हैं। सरपंच ने गांव की जिस जमीन पर कब्जा किया है, वह उस क्षेत्र के विकास के लिए चिन्हांकित की गई थी। अब जब जमीन पर कब्जा हो गया है तो गांव का विकास रुक गया है। ग्रामीण चाहते हैं कि बेजा कब्जा को जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि गांव के विकास को गति मिल सके। ग्रैंड एसी न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।